नाम से इनके पॉपुलर वीडियो पर देखोगे तो 1,69,000, 57,000, 48,000 इस तरीके के व्यूज आ रहे हैं, 31,000, 20,000 काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनके लेटेस्ट वीडियो पर अगर हम चले जाते हैं यहाँ पर और लेटेस्ट वीडियो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इनके चैनल का पूरा पूरा व्यूज डाउन हो चुका है। यहाँ पर देखो 4 व्यूज, 15 व्यूज, 21 व्यूज और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है इनके पास 100 व्यूज और 200 व्यूज आ रहा है दोस्तों। तो ऐसी कौन सी इन्होंने अपने चैनल पर गलतियां कर दी जिसके कारण इनके चैनल पर जो लाखों में व्यूज आ रहा था वो एकदम से डाउन होकर 10, 15, 50, 100 व्यूज में बदल गया दोस्तों। अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हो और आप भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लेना। इसी वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी गलतियों को सुधार सको, क्योंकि आप लोगों की सालों की मेहनत इस छोटी सी गलती के कारण बर्बाद कर देगी आपके चैनल को दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना और वीडियो कर देना ज्यादा से ज्यादा लाइक दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस मेरा नाम है गोलू कुशवाहा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। तो दोस्तों इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लोग बना करके अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर छोटी सी गलतियां करके और अपने चैनल को बर्बाद कर भी दे रहे हैं, जिनका चैनल मोनेटाइज होने से पहले रियूज कंटेंट आ जा रहा है या तो फिर उनके चैनल पर व्यूज डाउन हो जा रहा है। तो वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि इन मैडम का जो चैनल है इनका अगर आपको सब्सक्राइबर दिखाया जाए यहाँ पर तो दोस्तों आप लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर मात्र 1800 सब्सक्राइबर, जैसा कि आप लोग ध्यान से देख सकते हो इनके चैनल पर मात्र 1800 सब्सक्राइबर हैं और इनके चैनल के जो पॉपुलर पर हम जाते हैं तो पॉपुलर पर जाने के बाद इनके चैनल पर लाखों में व्यूज आ रहे थे। मैडम का कहना है कि हमारे पहले वीडियो में ओल्डेस्ट वीडियो पर अगर हम चले जाते हैं यहाँ पर तो इनके ओल्डेस्ट वीडियो पर देख सकते हो ये 95, 40, 17 इस तरीके से व्यूज आ रहा था पुराने वीडियो में, लेकिन इनका जो रियल में पुराना वीडियो जो था उसमें मिलियन में व्यूज आ रहा था दोस्तों, लाखों मिलियन में आ रहा था, 100-100 मिलियन, 55 मिलियन, 44 मिलियन, 22 मिलियन इस तरीके का व्यूज आ रहा था। लेकिन एकदम से यूट्यूब ने ऐसा क्या कर दिया कि इनका चैनल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तो डिटेल से समझना इस वीडियो को दोस्तों। क्या करते हो आप लोग जब ग्रीन स्क्रीन वीडियो को क्रिएट करते हो तो आप लोग दूसरे का वीडियो लेते हो और दूसरों का वीडियो लेने का मतलब होता है कि आपको रियूज कॉन्टेंट का मिल जाना। क्यों? क्योंकि YouTube ने एक फीचर दिया आपको ग्रीन स्क्रीन, लेकिन उसको आपको किस तरीके से यूज करना है उसको आपको पता ही नहीं है। जैसा कि ये हमारा वीडियो यहाँ पर देख सकते हो इस वाले वीडियो पर, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये यहाँ पर वीडियो है और इन्होंने यहाँ पर वीडियो को क्रिएट किया है पूरी अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखो 30% अपने फेस को यहाँ पर लगाया हुआ है पासपोर्ट साइज में अपने, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वॉइस ओवर भी किया हुआ है, वीडियो अच्छे से क्रिएट कर रही है। लेकिन इनको जब पता चल गया, पूरी जानकारी इन्होंने ले ली कि इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन को बनाया जाता है, तब काम ये करने लगी। लेकिन इन्होंने जो गलतियां की थी वो पहले इन्होंने अपने चैनल पर कर ली थी, पहले जो गलतियां कर चुकी थी अपने चैनल पर उसको सुधारने के चक्कर में अपने चैनल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया दोस्तों। इन्होंने अपने चैनल पर जब काम किया तो इन्होंने छोटा छोटा फेस लगाना शुरू किया। जब छोटा छोटा यहाँ पर फेस लगाती थी और फेस लगाने से क्या होता था कि इनका चैनल पर जो वीडियो चलता था तो वीडियो पर व्यूज तो भर भर के आता था, मिलियन में आता था, 1-1 मिलियन, 10-10 मिलियन, 30-30 मिलियन आ जाता था, जिसके कारण इनका चैनल बहुत तेजी से वायरल हुआ, इनके वीडियो वायरल हुए, इनके चैनल पर रीच बढ़ी और इनका प्रोग्रेस हो गया। लेकिन इन्होंने जब ग्रीन स्क्रीन वीडियो देखा, जब लोगों ने अवगत कराया कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो तो आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आ सकता है, तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने सोचा कि कहीं मेरे चैनल पर भी रियूज कंटेंट ना आ जाए। इसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, जिनमें इनके मिलियन मिलियन में व्यूज आ रहा था, जिस वीडियो के कारण इनका चैनल तेजी से ग्रो हुआ था, जिसके कारण इनके चैनल को रीच मिली थी, वही वीडियो इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया। और डिलीट करने के कारण इनके चैनल पर व्यूज का जो भरमार था वो खत्म होने लगा। YouTube को क्या लगा कि इनके चैनल पर जो वीडियो पड़े हैं उससे इस YouTube को लगा कि इनके चैनल पर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट गलत तरीके से क्रिएट किए गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, वही गलती छोटी सी कर दी दोस्तों, इन्होंने वही छोटी सी गलती कर दी कि इन्होंने अपने चैनल पर जितने भी वीडियो गलत तरीके से बनाए हुए थे उन रियूज कॉन्टेंट की डर की वजह से अपने सारे चैनल के वीडियो को डिलीट कर दिया।
और दोस्तों मैंने कई बार बताया अपने वीडियो में कि आप लोग अगर गलतियां कर चुके हो तो आपको वीडियो को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि उन्हीं वीडियो से दोस्तों आपका चैनल ग्रो होता है, आपके चैनल को रीच मिलती है और YouTube जानता है कि आपको इस वीडियो से रीच मिली है, तब जाकर के आपका चैनल यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन जब आप इन्हीं वीडियो को डिलीट कर देते हो तब YouTube अपने जितना भी रीच आपके चैनल पर आया था उन सभी रीच को वहां से डाउन कर देता है, इम्प्रेशन को खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपके वीडियो इम्प्रेशन जाता ही नहीं है आगे, लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, तो व्यूज कहाँ से आएगा? जब लोग वीडियो देख नहीं पाएंगे तो व्यूज कहाँ से, जब लोगों तक वीडियो ही नहीं पहुंचेगा तो व्यूज कैसे आएगा? तो ये गलतियां आप लोग बिल्कुल भी ना करें। और बार बार मैं कहता हूं, अगर आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो तो ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने से पहले आप लोग पूरा तरीका सीख लो, और मैंने चैनल पर बताया हुआ है किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने का सही तरीका क्या, किस तरीके से क्रिएट किया। दोस्तों यहाँ पर देखो, इन्होंने सही तरीके को अपनाना शुरू किया अब, लेकिन इनके चैनल का व्यूज डाउन हो चुका है, पूरी तरीके से चैनल डेड हो चुका है। अब इस चैनल को फिर से उठाने के लिए, ग्रो करने के लिए इनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत इन्होंने पहले की है। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रेंडिंग शॉर्ट्स वीडियो होंगे उन ट्रेंडिंग शॉर्ट्स वीडियो को इनको लेना पड़ेगा और उन ट्रेंडिंग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन तरीका इनका देख लेना, तरीका इन्होंने बहुत सही लगाया है। अब इसी तरीके से अगर ये काम करेंगे तो इनका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करना, नहीं तो आपको भी बाद में पछतावा होगा, लेकिन आप फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिवाय आपको मेहनत दोबारा करनी पड़ जाएगी। तो एक बार मेहनत करो, उसी से अगर सफलता मिल जाए तो उसके लिए अच्छी और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, जिससे आपको सही जानकारियां मिलती रहे, समझ रहे हो? तो दोस्तों ये देखो, इस तरीके से आपको क्रिएट करना है ग्रीन स्क्रीन, और यहाँ पर आपको वॉइस ओवर करना है। तो आप लोग समझ गए, इस इतना ही बताना था इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, कि आप लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें जिसके कारण आपका चैनल भी डेड हो जाए, जिसके कारण आपके व्यूज आना बंद हो जाए, फिर आप डिमोटिवेट हो गए, फिर आप यूट्यूब छोड़ के जाना चाहोगे, है ना? क्योंकि साल भर से मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या तो फिर मोनेटाइज करने जाओगे तो आपको रियूज कंटेंट मिल जाएगा। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल ना भी करें। एक मौका मिला है आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना करके चैनल को मोनेटाइज करने का, तो उसका सही से यूज करो, सही से सीख करके उस पर काम करो, आपको सफलता 100% मिल जाएगी। दोस्तों इनका चैनल बना था मार्च 2024 में और इन्होंने अभी तक अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया होता, लेकिन क्या किया, इन्होंने ऐसी गलतियां कर दी जिसके कारण इनका चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो पाया। तो आप लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बताता हूं कि आप लोग सीखा करो, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो सीखने में पीछे मत रहो और पूरा वीडियो देखा करो, पूरी जानकारी लिया करो और अपने दोस्तों तक शेयर किया करो, ताकि उनका भी चैनल बर्बाद होने से बच सके। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो, आपको कुछ बहुत तो जानकारी मिली होगी। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।